कोरोना से अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना योद्धा लगातार लड़ रहे हैं और हमारी जो भारत की तीनों सेनाओं हैं उन्होंने भी कल अलग रूप से सम्मान किया है। कहीं पर पुष्प बरसाए गए हैं, कहीं पर विशेष विमान से सलामी दी गई है। तो इसी कड़ी में जो हमारे बूढ़ा पुष्कर मंडल के पदाधिकारी है, भाजपा कार्यकर्ता है, उनके मन में भी एक प्रेरित विचार आया कि क्यों ना हम भी पुष्कर के जो कोरोना योद्धा उनका सम्मान किया जाए करें। और इसी कड़ी में आज ये लोग उपखंड कार्यालय जो पुष्कर के स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, पुलिस मित्र हैं और मीडिया कर्मी हैं, उन सबका इन लोगों ने सम्मान किया है। और एक तरह से इन लोगों ने मोटिवेशन किया है कि जो लोग हमारे लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं उनके लिए हम थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट करें। हमारे बीच जिला परिषद सदस्य मानक रावत भी मौजूद है जो कि पूरी प्रक्रिया के पीछे ये बताएंगे कि क्या उद्देश्य है उनका, क्या प्रेरित, क्या भावना से ये कार्य किया आपने। जी बताइए सर। हमने इस भावना को जो कल दिल्ली का कार्यक्रम देखा और उससे प्रेरित होकर हमारे यहाँ जो पुष्कर के अंदर जो ये कोरोना के विरुद्ध जो भी योद्धा लड़ रहे हैं, जिसमें सभी सरकारी डिपार्टमेंट आगे, जिसमें चिकित्सा विभाग की तो सबसे विशेष सेवा अच्छी है और पुलिस डिपार्टमेंट है या उपखंड कार्यालय में जो भी अधिकारी है, कर्मचारी हैं, सभी ने अच्छा काम कर लिया। उसको हमने प्रेरित होकर और इन लोगों का स्वागत सम्मान किया है और इन लोगों के हम यही आशा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार आप पब्लिक की सेवा करते रहें और हमारा जो भी सहयोग होगा वो हमारी ओर से पूरा सहयोग देंगे और देते रहेंगे। हमारे बीच सीनियर नर्स सविता पाराशर भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि आखिरकार जब इस तरह का सम्मान मिलता है, इस तरह संकट के बीच कैसा उनको महसूस होता है, कैसा लगता है। जी हम जब भी जनता की सेवा करते हैं सबसे पहले तो हमें दिल से खुशी होती है कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं और दूसरा अगर जनता हमें प्रोत्साहित करती है तो हमें गर्व महसूस होता है और इच्छा होती है कि और इसको हम बहुत अच्छे से सेवा करें जिससे पब्लिक भी संतुष्ट हो और हमारा दिल आत्मा भी संतुष्ट हो। तो ये थे सीनियर नर्स सविता पाराशर जो बता रहे थे कि यदि आप किसी का उत्साह बढ़ाओगे, किसी का सम्मान करोगे, यदि संकट की घड़ी में अगर आप मोटिवेशनल करोगे तो निश्चित रूप से कोरोना योद्धा साहसिक होंगे और प्रेरित होंगे और अधिक ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र में लगातार कार्य करते रहेंगे। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। आज बूढ़ा पुष्कर भाजपा मंडल की ओर से जो कोरोना योद्धा जो लड़ रहे हैं, इसमें सफाई कर्मचारी है, पुलिस कर्मी है, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, स्वास्थ्य जुड़े हुए सभी कर्मचारी हैं, इन लोगों ने दिन रात एक करके कोरोना के लिए खड़े रहे, अपने घर परिवार के सबकी परवाह की बिना इन्होंने रात दिन जो सेवा की। तो इनका हौसला अफजाई करने के लिए, क्योंकि आपके साथ हम भी आपके साथ खड़े हैं और आपने जो रात दिन लगन जो जिस लगन से जो सेवा कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है और पूरे देश में आपकी वाई वाई लड़ रही है। जिस तरीके से देश की सीमाओं की रक्षा सीमा पेरी कर रहे हैं उसी तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए इन योद्धाओं ने अपने यहाँ तक के कई योद्धाओं ने तो अपने जीवन तक कुर्बान कर दिए हैं और आगे भी ये लड़ाई के लिए तत्पर है, 24 घंटे लगे रहते हैं। इनके लिए हमने आज इनका स्वागत कार्यक्रम रखा और जिस तरीके से देश का शौर्य या देश का मान बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने कल जो देश में एक बहुत बड़ा एक इन योद्धाओं का सम्मान किया, उसी तरीके प्रेरित होकर हमने भी बूढ़ा पुष्कर मंडल की ओर से इन योद्धाओं का सम्मान किया।